अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम अपने पेज की फॉर्मेटिंग करेंगे। तो आज हम कुछ ऐसी कमांड्स, कुछ ऐसे फंक्शंस अपने पेज पे यूज़ करेंगे जिनकी मदद से हम अपने पेज की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम पेज फॉर्मेटिंग कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, F7 करके मैंने थोड़ा जूम कम किया, यानी जूम आउट किया। आप कीबोर्ड से भी जूम का फंक्शन कर सकते हैं, F5, F6, 7 और 8 तक आप जूम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा पेज फॉर्मेटिंग के मुतालिक है। इस वजह से हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ से इस टूल बार के अंदर इस एरो पे क्लिक करते हैं, सिलेक्शन टूल पे। तो सिलेक्शन टूल लेने के बाद जब हम यहाँ इस पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पे कुछ नोड्स, कुछ पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऐड हो चुके हैं। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं बताते हैं कि हमने इस पेज को सिलेक्ट किया हुआ है। अब फ्रेंड्स, जब हम इस पेज के ऊपर क्लिक करते हैं एरो टूल लेके, तो हमारे पास इस पेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ ये वाली शो हो जाती हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें हैंड के ऊपर, हैंड टूल, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें तो देखें कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो गई हैं। अगर हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें तो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह करके हम अपने पेज को फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले इस एरो को एक्टिव करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इस पेज को एक्टिव करेंगे, फिर हम इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सपोज़ दैट हम इस टेक्स्ट का ये बॉर्डर जो है इसको चेंज करना चाहते हैं, खूबसूरत स्टाइल देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर की ऑप्शन है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये बॉर्डर्स के मुख्तलिफ़ स्टाइल्स आ जाएंगे। तो यहाँ से हम किसी एक बॉर्डर स्टाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा बॉर्डर स्टाइल जो ये वाला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। F8 प्रेस करते हैं तो देखें हमारा बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अगर हम इस बॉर्डर की थिकनेस यानी मोटाई को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, 1 पॉइंट लिखा हुआ है, इसको हम 5 लिख के एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो आप देखें कि ये इसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। अब अगर हम इस बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, क्लिक करें तो हमारे सामने कलर्स ओपन हो जाएंगे। हम ब्लू पे क्लिक करते हैं, हमारा बॉर्डर ब्लू कलर का हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर हम बॉर्डर के अंदर यानी पेज के अंदर कलर फिल करना चाहते हैं तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन है, हम यहाँ से कोई एक कलर फिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पेज के अंदर कलर फिल हो चुका है। तो ये चंद एक बेसिक सेटअप्स थे, फॉर्मेटिंग थी पेज की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।